नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के शुरू में बात करेंगे कि कैसे जो है एक काला नमक जो है वो आपको फिशर से जो है और फिस्टुला से जो है राहत दिला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, काला नमक जो है देखने में तो बहुत साधारण सा नमक लगता है और कुछ लोग जो हैं इसको इसके गंध की वजह से जो इसको पसंद नहीं करते, या फिर कुछ लोग इसको जो हैं इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि इसको खाने के बाद गैस बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद जो है डेफिनेटली जो है इसके गुण देखने के बाद आप जो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले बहुत सी वीडियो में बताए हैं कि पाइल्स और फिशर आपको क्यों हुआ। इसका कारण है कि आपका जो है डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपका पाचन ठीक से नहीं है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपकी आंतें जो हैं कमज़ोर हैं, मल जो है आपकी आंतों के अंदर चिपक रहा है, फिर आप जोड़ लगा रहे हैं तो वो वहाँ से निकल नहीं रहा है, और अगर आपको गैस की भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं तो उससे जो है मल कठोर हो जाता है, और फिर जो है आपको कट लगने के चांसेस होते हैं, आपके पाइल्स बनने के चांसेस होते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जो भी बीमारियाँ होती हैं वो होने के चांसेस होते हैं। मेन कोज अगर मैं बताऊं तो इसका कारण है आपके कब्ज, और आपका जो काला नमक है वो कब्ज को जो है जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। इसके अंदर बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर आयरन होता है जो आपकी बॉडी के लिए, आपके जो है ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, काले नमक के अंदर ऐसे बहुत से न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको, जो आप नॉर्मली आयोडीन सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। आयोडीन नमक अगर आप सफ़ेद नमक यूज़ करेंगे तो इससे जो है आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लगती है, आपको जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएशन करने लग जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेज़ हो जाएगा। लेकिन जो काला नमक होता है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसका सेवन जो है आपको फ़ायदा ही देता है, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देता है। तो काला नमक दोस्तों आप जो है ज़रूर इस्तेमाल करिया करिए। आप जो हैं ये सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं इससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है, इससे जो है आपको बस नुकसान ही है। बात करते हैं कि कुछ लोग जो हैं इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं और इससे जो है आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है इस्तेमाल करने से। देखिए मैंने पहले भी दो कारण बताए हैं कि एक तो जो है इसके गंध की वजह से, और दूसरा जो है इसमें अवेयरनेस भी नहीं है लोगों के अंदर कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तीसरा है कि इसको खाने के बाद जो गैस बहुत ज़्यादा निकलती है। ये मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि इसको खाने के बाद गैस बहुत निकलती है तो इसकी वजह से जो है मैं इसको नहीं खा पा रहा हूँ। देखिए गैस अगर आपके निकल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले कब्ज है, और वो काला नमक जो है आपके बॉडी के अंदर जाके मल को जो है सॉफ्ट बना रहा है, तो उसके जो रासायनिक क्रिया होती है उसके अंदर जो है वो गैस पास कर रहा है। तो अगर काला नमक के सेवन के बाद अगर आप गैसेस ज़्यादा रिलीज हो रही हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है अंदर से साफ़ हो रही हैं। काला नमक जो है आपकी आंतों को जो है साफ़ कर रहा है, जिसकी वजह से उनमें रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है आपकी गैसेस रिलीज हो रही है। तो गैसेस रिलीज होना आपके लिए एक, ये मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट है कि आप जो है ठीक हो रहे हैं, आपका कब्ज जो है ठीक हो रहा है। दूसरी बात करें इसकी गंध की वजह से, तो देखिए दोस्तों गंध अगर आप देखेंगे तो फिर जो है आप कोई भी औषधि नहीं ले पाएंगे। देखिए आप काला नमक ले रहे हैं एक औषधि के रूप में, तो उसमें जो आप ये समझिए कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। आप गंध वगैरह को बिल्कुल मत देखिए, आप उसके कलर वगैरह को बिल्कुल मत देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको जो है आपके जो है क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम है, आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम है, मल साफ होता ही नहीं है, मल जो है आंतों के अंदर अटका रहता है, तो आपको काला नमक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बात करते हैं कि इस्तेमाल कैसे करें। तो देखिए एक तो जो है काला नमक जो है आप फ्रूट सलाद जो बनाते हैं, जो भी सैलड वगैरह आप बना रहे हैं उसके ऊपर जो है आप लगा के खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुछ भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो इसमें वाइट नमक की जगह आप ब्लैक नमक डालिए, जो काला नमक होता है वो वाला नमक डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है दोस्तों, कुछ लोग जो क्या करते हैं कि सुबह सुबह एक गिलास के अंदर नमक घोल के भी पी लेते हैं, तो वो जो है मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जो है ऐसा कुछ करें। आप जो है किसी चीज़ के अंदर मिला के इसको खाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा, क्योंकि वो उस चीज़ को जो है पचाएगा। मेन इसका काम यही होता है कि आप खाने को अच्छी तरीके से पचाना। तो किसी चीज़ को खाएंगे उसके साथ में काला नमक खाएंगे तो वो जो है उसको अच्छे से पचा पाएगा।
पानी के साथ अगर आप लेंगे तो पानी तो पचता तो है नहीं, वो तो सीधा किडनी के अंदर चला जाएगा, तो उसमें जो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं मिलेगा, वो सीधा जो नमक जो आपके बाहर भी आ सकता है। तो इसलिए आप किसी खाने के साथ इसका सेवन करें तो वो जो है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये बातें हैं दोस्तों काला नमक के बारे में। अगर आप आज से ही जो इसका इस्तेमाल चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है आपको एकदम जो आप ये सोचेंगे कि मेरी बॉडी में इतने सारे अच्छे बदलाव कैसे हो गए हैं, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, मेरे पाइल्स फिसर की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। तो इसलिए काले नमक का सेवन जरूर करिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।